इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे मैप्स के बारे में। मैप्स जैसा कि आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, कोई किसी कंट्री का मैप है। फिर दूसरे तरीके के मैप होते हैं, जैसे आप ग्लोब पे देखते हैं, उसके अलावा कोई आप टाउन का मैप देखते हैं, आप चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टर्स के मैप देखते हैं। तो अलग अलग तरीके के मैप्स जो हैं आप देखते आ रहे हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है मैप्स होते क्या हैं, किसको मैप कहते हैं? अब आप सोचिए कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ना कि हम वर्ड्स पे जाएंगे, पर लॉजिक क्या कहता है, किसको मैप्स कहेंगे। मैप जो अर्थ है या अर्थ का सरफेस पे कुछ भी है, कोई एरिया है, अर्थ का सरफेस या उसका एरिया, उसको हम एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मैप कहेंगे। इसलिए आप देखिए जितने भी मैप होते हैं फ्लैट होते हैं, जबकि अर्थ फ्लैट नहीं, अर्थ तो राउंड है। तो उस राउंड बॉडी को एक फ्लैट पे लाना, कि राउंड बॉडी है उसको खोल के फ्लैट पे लाना, दैट इज मैप रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि वो ऊपर से क्लोज है और स्फेरिकल है, जब उसको ओपन करेंगे तो ऊपर से वो क्या होगा, बिखर जाएगा। इसीलिए जो मैप आप देखते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि वहाँ पे जो आप ऊपर के एरियाज देखिए नॉर्थ पोल के साथ वाले, वो काफ़ी बड़ा साइज उनका दिया होगा, बट एक्चुअल में उनका एरिया अगर आप देखेंगे वो छोटा होता है, पर आपको दिख बड़ा रहा होता है। रीज़न, क्योंकि ग्लोब थी, आपने उसको ओपन किया तो वो क्वाइट ऑब्वियस नीचे के बराबर ही दिखाया जाएगा। चलिए आप स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले मैप क्या होते हैं, मैप जो मैंने आपको बताया अर्थ सरफेस या उसके किसी एरिया की रिप्रेजेंटेशन है प्लेन सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर। बट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फ्लैट बना देंगे उसको। फिर मैप कई तरीके के मैप हम देखते हैं, एक होते हैं फिजिकल मैप, दूसरे होते हैं पोलिटिकल मैप, तीसरे होते हैं थीमेटिक मैप, और चौथे होते हैं कैडेस्ट्रल मैप। ये चार मेन होते हैं। फिजिकल वो मैप जहाँ पे सिर्फ फिजिकल फीचर्स इंडिकेट किए जाएं, फिजिकल फीचर जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, लेक्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, बे हैं, ओशंस हैं, जहाँ पे सिर्फ ये इंडिकेट किया जाए उसको हम फिजिकल मैप कहेंगे। पॉलिटिकल मैप जो हम मैप देखते हैं, आपने कोई भी एरिया का मैप देखा हो, पॉलिटिकल मैप जहाँ पे आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं उसकी, जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं उसमें इंडिया की बाउंड्रीज नजर आएंगी, इंडिया की स्टेट्स नजर आएंगी, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स नजर आएंगे, तो ये सारे पॉलिटिकल मैप हुए। तीसरे थीमेटिक्स, वो मैप जो किसी पर्टिकुलर थीम पे बनते हैं, जैसे रेनफॉल के लिए एक मैप बनाएगा कि इंडिया में किस एरिया में कितनी रेनफॉल है, उसका एक मैप बनाया, कलर से अलग अलग शो कर दिया कि ये वो एरियाज जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, दूसरे एरियाज जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है। इसी तरह दूसरे थीम के जैसे सॉइल के हो सकते हैं, कि ये एरियाज वो हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ये एरियाज वो हैं जहाँ पे अपनी एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं, वो थीम बेस्ड हैं। इस तरह चौथे जो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप्स वो होते हैं जो जैसे आप किसी टाउन का मैप देखते हो, किसी गांव का मैप देखते हो, जो विलेजेस के मैप हो, किसी गली का मैप है जिस पे एक एरिया पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं चंडीगढ़ में सेक्टर 17 का मैप है, तो एक उसमें गलियां नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बूथ शॉप सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो वो कैडेस्ट्रल मैप्स हो गया। और जो मैप आप देखते हैं उस पर एक लिखा होता है, वहाँ लिखा क्या होता है, लिखा होता है कि ऐसे 1.100 या 1000, 10,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड स्केल। अब ये स्केल क्या है, इसका मतलब कि जो एक यूनिट, ये जो फर्स्ट है ये रेशियो है, एक्चुअल में रेशियो किस चीज़ की, जो मैप पे जो है और ये एक्चुअल में जो है अर्थ पे, उसमें किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में उसको शो किया गया है, कि अगर इसका एक यूनिट है तो इसके 1 लाख यूनिट हैं, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक यूनिट में, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर इंडिकेट करा तो यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर इंडिकेट करेगा वो, तो इसको स्केल, और इसको हम कहते हैं फैक्टर को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जो कि RF इज अ रेशियो ऑफ, जहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा, और ये होगा कि ग्राउंड पे एक्चुअल में कितना है और मैप पे कितना और एक्चुअल में कितना है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल डायमेंशन जो अर्थ है और जो मैप पे है, उस प्रोपोर्शन की रेशियो को हम कहेंगे RF, और यहाँ न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा। तो जो डिस्टेंस ऑफ मैप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ मैप और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, उसकी रेशियो होती है ये। जैसे मैंने आपको बताया 1:1 लाख भी हो सकता है, 1:1 लाख भी हो सकता है, 1:1000 कुछ भी हो सकता है, तो ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे इसके रिप्रेजेंटेशन के। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल स्केल, एक दूसरा होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप वो होता है कि जहाँ पे हम जो एरियाज हैं
जैसे वर्ल्ड का एक मैप हमने बनाया, अब इस पे यहाँ पे हमने शो किया अमेरिका, उसी तरह यहाँ हमने शो कर दिया इस पे अफ्रीका, यहाँ वो, यहाँ इंडिया, फिर इधर सारा कंट्री, इधर यूरोप और इधर ये। अब ये देखिए छोटा सा मैप मैंने बनाया, बट एक बड़ा एरिया, बड़ा सरफेस अर्थ को इस पे रिप्रेजेंट किया, यानी कि स्मॉल एरिया पे लार्ज एरियाज, हम लार्ज एरियाज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्मॉल स्केल मैप हो गया। और अगर मैं लार्ज एरिया को करूँगा तो वो लार्ज स्केल मैप हो जाएगा। लार्ज एरिया मतलब यानी कि छोटा एरिया के लार्ज एरिया उस पर इंडिकेट कर रहा हूँ लार्ज मैप पे, जैसे किसी टाउन का मैप है, किसी विलेज का मैप है। ये एक हमने विलेज मैप देखा, ये एक मैप बनाया कि इसमें विलेज है, यहाँ पे नदी गलियाँ जा रही, ये सारा जो बनाया ये एक छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल। तो ये दो तरह के आप जो देखते हैं वो ये है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अब ये जो आपको नज़र आ रही है इमेज, ये वो है कि जब हम मैप यूज़ करते हैं उसमें हम रिलीफ को कैसे यूज़ करते हैं, रिलीफ फीचर कैसे दिखाते हैं। फिजिकल फीचर्स हमने बोला कि फिजिकल फीचर्स दिखाए जाएंगे, वो फिजिकल मैप होते हैं, वो दो तरह के कलर से दिखाए जाते हैं, कंटूर से दिखाए। तो यहाँ पे जो आप नज़र आ रहे हैं एक तरह से टोपोग्राफिकल मैप है, कि ये रिलीफ फीचर है इसका, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये माउंटेन टाइप नज़र आ रहा है, पर जब इसको मैप पे आप देखेंगे, एटलस उठा के देखेंगे कहीं भी, तो इस तरह की आपको नज़र आएंगे लाइनें, कि एक ये लाइन लगी है, फिर एक ये लाइन लगी है, फिर एक ये लाइन लगी है, और फिर एक इधर ही इस तरह ये लाइन लगी है, और ये दोनों को मिलाते हुए एक ऊपर से लाइन है। इन लाइंस को बोला जाता है कंटूर्स। और कंटूर्स होते क्या एक्चुअल में, कंटूर्स वो लाइनें होती हैं जो सेम पॉइंट्स को मिलाती हैं। सेम पॉइंट्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, वो सेम हाइट हो सकती है, वो सेम टेम्परेचर हो सकता है, वो सेम प्रेशर हो सकता है, तो उसी तरह इनके नाम चेंज होते रहेंगे। तो जो सेम हाइट वाले एरियाज को मिलाती हैं लाइनें, इनको कंटूर कहते हैं, आइसोहाइप भी कहते हैं। जो सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को मिलाती हैं लाइनें, उनको हम आइसोथर्म कहते हैं। जो सेम प्रेशर वाले एरियाज को मिलाते हैं उनको आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। ये सेम प्रेशर वाले एरियाज को ज्वाइन करेंगे जो लाइनें, आइसोथर्म। जो सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को शो करेंगे, तो ये वो लाइनें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हमें किसी मैप पे ये सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है जो ऊपर नज़र आ रही है, तो इससे आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि किस चीज़ का मैप है, कि ये इसका रिलीफ फीचर आप इससे पता लगा सकते हैं, वो कैसे। तो यहाँ देखिए हम बनाते हैं कि नीचे हमने एक स्केल लिया इधर और एक इधर ले लिया, तो एक तरफ एक तरह से ग्राफ के हम इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ से हम देखा ये कितना है 40, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो हमने ड्रॉ की। अब इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये कहाँ पे 40, तो 40 पे ले जाइए आप इसको। यहाँ पे हमने 40 पे लगाया, उसी तरह ये कौन सी है 30, तो ये 30 का इसको 30 पे ले जाइए। उसी तरह ये था 20 का, तो ये 20 यहाँ पे इसको नीचे 20 पे ले जाइए, और यहाँ नीचे 10, तो ये नीचे 10 पे चला गया। तो यहाँ आपने देखा इसको मिलाइए, तो सिमिलरली ये कितना 30 यहाँ लगाया, तो ये कहाँ मिल जाएगा यहाँ, और ये 30 है, तो ये 30 मिल के, तो फाइनली हमारे पास ये। तो यानी कि आपके पास जो शेप आई वो ऐसी आई है, ये आ गया। तो ये एक माउंटेन की शेप आपके सामने नजर आ रही हो, किससे, इनसे, जो हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप इसको हम कह सकते हैं। खासकर ये मिलिट्रीज जो होती है वो यूज करते हैं, ये है टोपोग्राफिकल मैप्स। तो ये कंटूर से मैंने आपको समझाया, कंटूर से इंटरवल की मैं बात करता हूँ। कंटूर इंटरवल्स में एक चीज़ होगा कि जो कंटूर्स के बीच का जो गैप होता है वो हमें काफ़ी फायदा देता है समझने में, और वो आगे मैं आपको समझाता हूँ कि उसे कैसे पता लगता है। कि अगर मैं बताऊँ आपको जो कंटूर्स की लाइनें होती हैं, कि ये कंटूर्स हमने बनाए, ये कंटूर्स हैं, अब ये क्या शो कर रहा है, ये कंटूर्स, और ये मिल नहीं रहे मेरे से, ये जो कंटूर्स मिले हो, कि जो हाइट इस एरिया की वही इस पॉइंट की है, वही इस पॉइंट की है, वही इस पॉइंट की, यानी कि ये कंटूर्स के लाइन जॉइनिंग द एरिया ऑफ सेम हाइट, सेम ऑल्टीट्यूड।
उसी तरह ये है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था पीछे, जब ऐसा तो इसकी एक ऐसी डायग्राम सामने आएगी जी, यानी कि अब देखिए यहाँ पे जेंटल स्लोप है, यहाँ पे कोई स्टीप स्लोप क्यों नहीं नजर आ रही, ये डिफरेंस है इस चीज का, ये जो ये गैप आपको नजर आ रहा है कंटूर्स की, जो स्पेसिंग नजर आ रही है, स्पेसिंग पे ये डिपेंड करता है। अगर स्पेसिंग वाइड है तो स्लोप जेंटल होगी, और अगर नैरो है तो स्लोप स्टीप होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ऐसी चीज़ें, प्री में बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इमेज, तो यहाँ पे देखिए हम एक रिलीफ फीचर को कैसे दर्शाया गया, ये रिलीफ फीचर जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये रिलीफ है। अब अगर आपको कहा जाता है कि इसका मैप बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, हम तो क्या करेंगे, सिर्फ एक यहाँ पे एक शीट लेंगे और उस पर बना देंगे कि यहाँ एक माउंटेन है, यहाँ एक हट बनी हुई है, एक हट बना देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे ओशन रिप्रेजेंट कर देंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो कंटूर्स हैं जो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग को या मिलिट्री वो इन चीज़ को यूज़ करते हैं, जो कंटूर्स लाइन है वहाँ से एक्चुअल में पता लगेगा कि माउंटेन्स है उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है। अब जैसे यहाँ देखिए इस पर रिप्रेजेंट किया गया कि ये पीक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी कि रिलीफ को कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हाइट यहाँ पे हम डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं या इंक्रीज करते चलिए, कि ये बेस था फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ सिक्स, ये सेवन्थ पे आके इसकी पीक हो जाती है, ये पीक है इसकी, यानी कि आप देखिए ये आपको नज़र आ रही है पीक है और ये इस तरह से है। अब इसका जो कंटूर वाला मैप वो बनाइए, अब ये ऊपर है उसका ये बन गया, सेकंड वाले का ये, अब यानी कि आप इस, ये था जो आपके सामने ये 3D इमेज है ये वाली, और ये 2D इमेज है, और 2D क्या हमारा मैप है ये, तो हमने ये कंटूर्स बना दिए, ये इंडिकेट कर रहा है हमारी हट और ये लाइन जो इंडिकेट करते हैं ये हाइट को, जब इसको आप ड्रॉ करेंगे मैप पे तो आपके सामने यही निकल के सामने आएगा कि आप जब इसको ड्रॉ करके देख लीजिए स्केल पे, तो ऐसा आपके सामने ये यहाँ पे आ जाएगा और यही वो एरिया है जो ऊपर दिया हुआ, तो ये बहुत ईजी होता है इसे आपको समझना। जो मैंने आपको बताया एलिवेशन और डेप्थ की बात, कि कंटूर्स यही शो करते हैं कि कोई ऑल्टीट्यूड कितने पे और कितना नहीं है, और उनका जो गैप्स है, अब वो गैप की मैं आप बात करूं तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो मैं दिखाता हूँ कि जो कंटूर्स अगर क्लोजर है मैंने आपको बताया तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टीप स्लोप्स है, अगर वो वाइडर हैं तो वो क्या कर रहा है कि जेंटल स्लोप। अब ये आप देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कंटूर्स हैं यहाँ दूर दूर हैं, यानी कि एक जेंटल स्लोप है, जैसे कि ये जेंटल स्लोप आपको नज़र आ रही है इस तरफ, बट यहाँ पे देखिए ये कंटूर्स यहाँ पे क्या हैं, वाइड हैं, और यहाँ पे इतने से एरिया में सारे कंटूर्स मिक्स हो गए, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है डिस्टेंस तो सिर्फ इतना सा कवर हुआ, बट ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टीप स्लोप जो कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लिफ को, यहाँ पे स्लोप जा रही है, इधर स्लोप है जो आपको ये स्लोप इधर नज़र आ रही है, बट यहाँ पे क्लिफ है पूरा। उसी तरह ये आप देखिए यहाँ पे आपको जेंटल स्लोप नज़र आ रही है चारों तरफ जेंटल स्लोप है, उसी तरह यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही, तो इधर भी जेंटल स्लोप, तो यानी कि दो हिल्स हैं, एक ये वाला हिल्स और एक ये वाला हिल्स, और इधर नीचे की तरफ इनकी ढलान है, तो यहाँ एक देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ये हिल्स है, और एक उधर जो पोल्स के उधर नज़र आ रहा है, तो ये उनकी स्लोप बनी हुई है और यही हमने शो किया है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि जो ये नज़र आ रही है कंटूर्स वाइड है यहाँ पे, और इधर कंटूर्स वाइड है यहाँ नैरो, तो वो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप नीचे की तरफ चेंज होती जा रही है। तो यानी कि कंटूर्स की इंपॉर्टेंस है, कंटूर से आप पता लगा सकते हैं, जिनको कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, कि किसी भी एरिया का रिलीफ मैप बनाना है अपने रिलीफ का, उसका उसके टोपोग्राफी का, तो आप कंटूर्स की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको नज़र आए कुछ सिंबल्स हैं, कहीं आप जाएंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं कि हर जगह की लैंग्वेज आती हो, फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास मैप्स हैं या आप मैप पढ़ना जानते तो वहाँ का एक मैप लीजिए और जो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं इनको समझिए, क्योंकि यही सिंबल है जो यूज़ होते हैं वहाँ पर, और ये आप
पहचान सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, ये रेलवे लाइन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है, और ये नैरो गेज है, और वो रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा पाएंगे कि अगर किसी मैप में ये चीज़ें दी हुई हैं तो कि वो रेलवे ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर इस तरह की चीज़ें माना जा रहा है तो ये क्या है, रोड्स, ये मेटल रोड है, ये अनमेटल, यानी कि पक्का रोड है, ये कच्चा रोड। फिर अगर बाउंड्री की बात करें, ये इंटरनेशनल बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट की और ये डिस्ट्रिक्ट्स की कर रहा है। और अगर वाटर बॉडी की बात करें, वाटर बॉडी जो होती है ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होती है, ये हो गया जैसे रिवर होगी, ये कुएँ हो गया, ये हमारे टैंक्स हो गए, ये कैनल्स हो गई हैं, और ये ब्रिज, और इसी तरह चर्च, ये पोस्ट ऑफिस, ये सेटलमेंट्स हो गए, ये ग्रेवयार्ड हो गए, ट्री और ग्रास। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप इसे पूछना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप एक आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो। इसके बाद जो इसमें कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा, वो है इसका जो कलर यूज़ होते हैं इसमें। कलर के हैं, जैसे मैं कहूँ आपको ब्लू कलर, मैं कहूँ ब्राउन कलर, मैं कहूँ येलो कलर, वाइट कलर, तो ये जो ब्लू कलर है ये हमेशा वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होगा, स्टैंडर्ड है ये मैप्स के। ब्राउन जो होगा हमेशा माउंटेन शो करेगा, ग्रीन होगा तो वो प्लेन एरिया शो करेगा, और येलो है तो वो हाईलैंड्स यानी कि प्लेटू वगैरह वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा जो दूसरी ये हो गई, और कंटूर्स हमने डिस्कस किया, इसके कलर्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में। उसके बाद जो है डायरेक्शंस जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डायरेक्शंस देखिए ये मेन डायरेक्शंस है जो हम देख सकते हैं। जनरली हमने इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। जनरली हम चार डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं, नॉर्थ और नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब ये जो चार डायरेक्शंस हैं, अगर इनके अलावा कहीं इधर उधर लोकेशन है तो हम कैसे बताएंगे? तो इसको फर्दर चार में और डिवाइड किया गया, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसी तरह साउथ वेस्ट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट में, यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे साउथ वेस्ट में। तो ये हमें और प्रिसाइज करता है किसी चीज़ की डायरेक्शंस के बताने के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें मैं कुछ चीज़ यहाँ पे रखता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि इस पार्ट में ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये। अगर वो यहाँ पे पड़ी तो मैं बता सकता हूँ वो साउथ वेस्ट की तरफ पड़ी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो मेजर तो चार कार्डिनल पॉइंट्स हैं, उसके अलावा डायरेक्शन में कितने भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।